हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.5 का फोर्थ क्वेश्चन करना है और इसमें भी हमने इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। और डिफरेंस जो है अल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, इसको आपने मतलब कि सॉल्व करना है, ठीक है। सो वी हैव टू यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। तो बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ए माइनस बी का होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। ओके बेटा, बट व्हाट इज़ ए, ए आपका यहाँ पे ए स्केयर है और बी आपका क्या है, बी स्केयर है। ओके, जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब आपको इसके इक्वल आपको लिखना पड़ेगा। तो ए स्केयर जो है आपका यहाँ पे ए स्केयर ही है, ठीक है। और इसका होल स्केयर, ए आपका ए स्केयर था और फिर उसका स्केयर प्लस बी, बी आपका बी स्केयर था फिर इसका होल स्केयर, फिर माइनस टू। फॉर्मूले में ए आपका बेटा ए स्केयर था, बी आपका बी स्केयर था। तो ए स्केयर का होल स्केयर होगा ए की पावर फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बिकॉज वी हैव टू यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्स रेज टू पावर में होल पावर एन, तो एक्स रेज टू पावर एम एन हो, ए टू टू जा फोर हो जाएगा। बी में भी ऐसे होगा, बी टू टू जा फोर, और ये आपका बेटा वही रहेगा टू ए स्केयर, ठीक है, इन टू बी स्केयर है तो ये बी स्केयर आएगा, ठीक है बेटा। ये एज पर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में भी आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है बेटा। तो और इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। सो सी, अब आपके पास इसमें टू टाइप्स की आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर सॉल्व करके फिर इसको माइनस कर देंगे। अगर आप इसको वैसे नहीं करना चाहते हो, एक इसका और सिंपल मेथड है, तो बेटा ये कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी, दिस इज़ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बेटा। इसमें सिंपल आइडेंटिटी वाली यूज़ कर लीजिए। सो बट ए आपका क्या है, टू एक्स प्लस फाइव, और बी आपका क्या है, टू एक्स माइनस फाइव। ओके, सो वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू, ए आपका था बेटा टू एक्स प्लस फाइव, बी आपका क्या था टू एक्स, बी आपका था टू एक्स माइनस फाइव, ये आ गया ए प्लस बी। नाउ वी हैव टू राइट ए माइनस बी, ए आपका बेटा टू एक्स प्लस फाइव था, ठीक है बेटा, और माइनस बी, माइनस बी में क्या हो गया, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, ये माइनस टू एक्स आ जाएगा और ये माइनस का था तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, टू टू एक्स प्लस टू एक्स, फोर एक्स हो जाएगा बेटा, दिस विल कैंसिल, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं, तो अंडरस्टूड है देयर इज अ साइंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, दिस विल कैंसिल, टू एक्स में से टू एक्स आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएंगे, टेन, टेन फोर जा फोर्टी, और ये एक्स आ जाएगा। ओके बेटा, आप इसको अगर दूसरे मेथड से भी करो तब भी ये आंसर आएगा, लेकिन इसमें आपने सिंपल एक ही मेथड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज़ वेरी सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। थैंक यू वेरी मच।